आज के दौर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक बहुत ही सामान्य समस्या है जिसके लिए आपको 3 से 5 महीने तक कोई दवा का सेवन करना पड़ता है उसको कम करने के लिए। हम आपको बताते हैं 6 से 7 हज़ार पुराना ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपके किचन में मौजूद है जो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, नॉर्मल करने में समर्थ है। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हार्ट डिजीज का बहुत बड़ा कारण होती है। आजकल के इस मशीनी युग में, मशीनी युग जरूर है लेकिन मशीनी युग दिमाग का है, हम लोगों का जो फिजिकल वर्क है वो ज़्यादा नहीं हो पाता और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसके लिए हम लोग तमाम दवाएँ लेते हैं। आज हम साथियों आपको बताएंगे कि आप 6000 साल पुरानी वह वस्तु जो हमारे किचन में मौजूद है उससे अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं। नुस्खा बताने से पहले साथियों हम ये बता दें, या किसी भी दवा का विकल्प नहीं है, जो दवा आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की ले रहे हैं वो लेते रहें, लेकिन ये नुस्खा अगर साथ में कर लेंगे तो शायद आपका कोलेस्ट्रॉल जो अगर 2 महीना दवा खा के नॉर्मल होता होगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल LDL लो डेंसिटी लिपिड, वह आपका 20 दिन दवा खा के नॉर्मल हो जाए। उस मापदंड के लिए दवा है, यह दवा किसी भी आप जो दवा कर रहे हैं उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो अगर घर में हमारे किचन में कुछ मौजूद है तो उसको एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, अगर वो आपको नुकसान नहीं करती है तो। तो साथियों, 6000 साल पुरानी एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपके किचन पे रखा है उसको इस्तेमाल करके आप बहुत आराम से अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। बताते हैं साथियों आपको वो अचूक नुस्खा, और वो नुस्खा है पानी पहला इंग्रेडिएंट और दूसरा है धनिया यानी ग्रीन कोरिएंडर। आपको 1 गिलास पानी ले लेना है, 1.5 गिलास, उसमें 2 रुपए 3 रुपए की हरी धनिया की पत्ती का डाल देनी है यानी कि ग्रीन कोरिएंडर डाल देना है, उसको बॉईल कर लेना है, फिर उसको ठंडा कर लेना है, उसको रोज पीते रहना है। 20 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने लगेगा। बहुत ही अद्भुत बात है साथियों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी आसान सी बात है, हमको नहीं मालूम थी, तो आज से आपको मालूम पड़ गई है। बस मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अब जब आपको मालूम पड़ गई है तो आप इसको करना शुरू करें। आपको यह भी बताते हैं कि यह नुस्खा क्यों काम करेगा, क्यों यह हरी धनिया की पत्ती में 6000 साल पुरानी रेसिपी में इस्तेमाल होने वाली इस वस्तु में, इस खाद्य पदार्थ में ऐसा क्या है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। इस साथियों 6000 से 7000 साल पुराने इस इंग्रेडिएंट में एक कंपाउंड पाया जाता है टर्पीनॉइड्स। टर्पीनॉइड्स एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होता है, यह आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। साथ में मैं आपको बताऊं साथियों, धनिया जो है वो बेस्ट फाइटोकेमिकल प्रोफाइल का खाद्य पदार्थ है। आप गूगल करिएगा मेरी बात को और इसको समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। साथ में ये आपके रिएक्टिव सेल्स के रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ROS को भी कम करती है। तो इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के साथ सबसे सस्ते चीज़ों में से एक इंग्रेडिएंट, मेरे शहर में तो लोग फ्री में, जब सब्जी वाले से 50-100 रुपए की सब्जी लो तो वो फ्री में रख देता है धनिया। हो सकता है आप अगर बड़े शहर में होंगे तो इसका पैसा देना पड़ता हो, लेकिन फिर भी आपका 10 रुपए में ठीक ठाक धनिया मिल जाती है। तो आप इसका इस्तेमाल करें और अपने कोलेस्ट्रॉल को 20 दिन के अंदर कम होता देखें। मैं फिर कहूंगा साथियों, ये आपकी किसी भी दवा इलाज का विकल्प नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए अगर आप कोई एलोपैथिक दवा ले रहे हैं उसका भी विकल्प नहीं है, लेकिन ये एक विकल्प है जो आप उसके साथ करके अपनी रिकवरी को स्पीड अप कर सकते हैं। बात ठीक लगी हो साथियों तो हमें कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा, मन में क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करूँगा आपकी बात का जवाब दे सकूँ।
निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों, हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।